हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भावनगरी गाठिया बनाकर दिखाने वाली हूँ। इन्हें बनाना सुपर इजी है, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भावनगरी गाठिया बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पे 200 ग्राम बेसन लिया है, 8-10 कलियाँ लहसुन के जिन्हें मैंने बारीक पीस लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 75 ग्राम के करीब रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले हम बेसन में मोयन डालेंगे, तो हमें तेल को गर्म करना होता है, हम तेल गर्म कर लेते हैं। तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा मीडियम गर्म करना है। फ्रेंड्स, कभी भी गाठिया बनाते समय तेल कभी भी ठंडा ना डालें, हल्का सा गर्म करके डालें, उससे गाठिया बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तेल हल्का सा गर्म हो गया है, गैस हम बंद कर देते हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल लेते हैं और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको बेसन में डाल लेते हैं। अब हम इसमें बाकी मसाले भी ऐड कर लेते हैं, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, काली मिर्च पाउडर, लहसुन, नमक, और सभी को हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। आप हाथ से ना करें क्योंकि तेल गर्म है। ये देखिए, मैंने सभी मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें पानी डाल के इसे गूंथ लेते हैं। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि बेसन एकदम से गीला हो जाता है, बेसन में पानी थोड़ा कम ही लगता है। हमें इसका नरम डो ही बनाना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, उसे थोड़ा और भी नरम रखना है और गीला भी नहीं रखना है। ये देखिए, बेसन का डो तैयार हो गया है, हमें इतना ही नरम गूंथना है। अब इसे हम थोड़ी देर के रख देते हैं, जब तक हम तेल गर्म कर लेते हैं, गैस ऑन कर लेते हैं और तेल को गर्म होने देते हैं। जब तक तेल गर्म हो रहा है, हम नूडल मेकर में जो हमने बेसन का डो तैयार किया उसे भर लेते हैं। मैं यहाँ पर नूडल मेकर यूज़ कर रही हूँ, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, और मैं यहाँ पे ऐसी वाली जाली यूज़ कर रही हूँ। इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। आइए हम इसमें स्टफिंग भर लेते हैं। पहले हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। और थोड़ा सा ऑयल हाथों पे भी लगा लेंगे जिससे कि डो चिपके नहीं। इस तरीके से करने से डो आराम से नूडल मेकर में चला जाता है। पर हमें इसे ओवर स्टफ नहीं करना है। अब हम इस पर ढक्कन लगा लेते हैं। दोस्तों, मैं हर हफ्ते कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। इनका अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे आपको मेरे सभी नए वीडियोस का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए थोड़ा सा डो डाल के चेक कर लेते हैं कि तेल अच्छे से गर्म हुआ नहीं। ये देखिए, डो ऊपर आ गया है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हमें इतना ही गर्म रखना है। इसे निकाल लेते हैं और अब हम गैस को मीडियम कर देंगे। अब हम इसमें इसे घुमाते हुए गाठिया बना लेते हैं। हमें इसे घुमाते हुए ही डालना है और कढ़ाई को ओवर क्राउडेड ना करें।
और हमें इन्हें फुल गैस पे ही फ्राई करना है। तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए तब हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और कुछ देर इसी तरीके से रखेंगे जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब हम इसे टिश्यू पेपर पे रख लेते हैं और इसी तरीके से बाकी गठिया भी तल लेते हैं। मैं यहाँ पे सारा डो ख़त्म कर रही हूँ, आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है ये। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जब ये झाग ख़त्म हो जाएंगे तब हम इन्हें पलट लेंगे और हमें इन्हें फुल गैस पे ही फ्राई करना है। तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। आप इन्हें अपने स्वाद के अनुसार मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप बिना लहसुन के भी बना सकते हैं, तब भी ये बहुत टेस्टी बनेंगे। आइए अब हम इन्हें पलट लेते हैं। हम इन्हें एक बार और पलट लेते हैं जिससे और भी क्रिस्पी हो जाएं। फ्रेंड्स, आप इन्हें नाश्ते में चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं और आप इन्हें सफ़र पर भी ले जा सकते हैं। इनकी लाइफ 1 महीने तक होती है। बस ध्यान रखना है कि इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखें। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। कुछ देर इस तरीके से रखें जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। फ्रेंड्स, ये ठंडे हो गए हैं। मैंने इन्हें तोड़ लिया है और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और सच में ये बहुत क्रंची बने हैं। ये देखिए कितने आराम से टूट गया है और सच में इन्हें बहुत अच्छा क्रंच आया है। फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया है, इन्हें बनाना सुपर इजी है और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपको और आपके परिवार में सभी को बहुत पसंद आएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।